नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। पेपर लीक मामला कितना ज्यादा गर्म है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश का युवा आक्रामक है और सरकार मौन है, मगर सरकार अक्सर ये दावा करती जरूर है कि वो किसी भी परीक्षा धांधली को सख्ती से हैंडल करती है। मगर यूपी में तो बीजेपी के साथ ही खेला हो गया। यहाँ बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता जी हैं परीक्षा धांधली में घेरे जा रहे हैं। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली करारी हार के बाद अब उनके विधायक बेदीराम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैसा लेकर पास कराने की बात कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। जैसे आप इनका नाम लेते हैं, बात इनसे मतलब है नहीं, मतलब भैया के बीच में तो बतिया फैल रहा है। देने की बात हुई थी ना, हम रिजल्ट निकला रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर लिया 10 साल? नौकरी 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइनर नहीं किया, ज्वाइनर की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप, जाइए पैसा कोई रखा नहीं भैया। यही बात ही बनकर कष्ट भर वही बात तो हमको मकाया कि हम इतना काम करने के बाद फाइनल करने के बाद भी आज हमने माफ तब मैनेज किया हूँ, पैसा दिया हूँ, आपने ये बात कहा था नहीं यार। ये जो कैंसिल हुआ क्यों नहीं, बहुत लोगों का पैसा ही करा है। जीवन से बड़ी कुछ ना हो जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इतना नहीं, खुद ओपी राजभर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेदीराम के संदर्भ में कह रहे हैं कि उनके कई चेले नौकरी कर रहे हैं। ये भी देखिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु का कहते क्या आता है, कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। इन सब के बीच राजभर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है। जब सीएम दफ्तर से उन्हें मिलने के लिए कहा गया तब वो विधानसभा में अपने कार्यालय से निकले। इस दौरान वो बेदीराम के सवाल पर मौन रहे। बेदीराम सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के करीबी माने जाते हैं और गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है। ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम पेपर लीक में आया है। जखनिया से सुबह सपा विधायक बेदीराम का परीक्षाओं में सेंधमारी का पुराना रिकॉर्ड रहा है। बेदीराम का नाम रेलवे, मेडिकल और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने में आ चुका था। एसटीएफ में ने रेलवे भर्ती पर पेपर लीक मामले में उन्हें 2014 में लखनऊ में गिरफ्तार कर पूछताछ की तो कई राज सामने आए थे। सिपाही और आरओ एआरओ भर्ती का पेपर लीक होने की सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसमें गौरतलब है कि बीते 6 माह में प्रदेश में पुलिस भर्ती समेत कई विभागों में निकाली गई नौकरियों के पेपर लीक हो गए। इन भर्तियों के निरस्त होने से युवा वर्ग और अभ्यर्थी वाकई में काफी परेशान हुए। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रही हैं। ऐसे में पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके कुख्यात द्वारा सुबह सपा विधायक का नाम पेपर लीक मामले में लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।